हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आज का व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है बिकॉज आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आज है संडे। संडे मींस सेलिब्रेशन डे रहेगा। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे लेकिन छोटा सा तो करेंगे ही। तो आज हमारे दिन की शुरुआत जो है वो ब्रेकफास्ट में हम बाहर से मंगाने वाले हैं। और बाहर से इन द सेंस कि यहाँ पर एक शॉप है जो बहुत दूर है, 10-12 किलोमीटर्स आई थिंक होगा। तो हम लोग ऐसे तो खा नहीं पाते हैं कि स्पेशली जाएँ, इतनी सुबह जाना ही नहीं हो पाता। और वहाँ पर टाइमिंग कुछ ऐसे रहती है, 10 से 11 बजे तक वो क्लोज़ हो जाता है। तो गुजराती नाश्ता भी मिलता है, समोसे वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वैरायटी ऑफ नाश्ता वहाँ मिलता है। और बहुत टेस्टी और बहुत हाइजीनिक और क्वालिटी नाश्ता जो है वो मिलता है। तो इन्होंने बोला कि आज मैं वहाँ से लेकर के आता हूँ। दूर है बट आज आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे आ रहा है कि स्पेशली लेकर के आया जा रहा है। अदरवाइज़ कभी टाइमिंग ऐसी ही हुई कि हम वहाँ गए और शॉप ओपन है, चीज़ें मिल रही है तो खा लेते हैं, लेकिन पसंद बहुत आता है, टेस्टी बहुत लगता है। तो आज ये लेने जाएंगे। जब तक हम लोग यहाँ पर अपना सब रेडी हो जाएंगे और फिर ब्रंच जैसा होगा, थोड़ा लेट ही होगा, 10-11 बजे जैसा हम लोग इसको खाएंगे। और संडे को इन्जॉय करेंगे और ये जो गुड न्यूज़ है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी इसको भी सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर आगे और भी इन्फॉर्मेटिव बातें भी हम करेंगे और मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाऊँगी। आरएफ के लिए हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए नाश्ता लग चुका है। मैं एक एक करके सारे नाम आपको पहले बताती हूँ। तो ये है येलो कलर का नायलॉन खमर जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, स्वीट एंड खट्टा मीठा सब बहुत टेस्ट करता है, अच्छा लगता है। उसके साथ में वाइट कलर का ईदड़ा जिसको कि इडली के जैसा टेस्ट आता है जिसका। और ये फॉइल के अंदर जो आप देख रहे हो ये है लोचो, नाम सुना ही होगा आपने। ये है हमारे फेवरेट समोसे। एंड देन फिर बगल में जो आपको दिख रहा है पीले कलर का वो है ढोकला। एंड इधर ये येलो कलर का एक और है, ये इसको क्या बोलते हैं, खांडवी। एंड देन फिर ये समोसे जैसा पैकेट पॉकेट जैसा जो है ये है चाइनीज़ समोसा, इसके अंदर चाइनीज़ नूडल्स वगैरह स्टफ़ करके बनाया है। इसके साथ मिलती है एक हरे कलर की अलग सी कोई धनिया की ये, और कुछ गुजराती चटनी, मीठी चटनी और मिर्ची फ्राई। और ये है नए कप में मेरी चाय, बहुत सुंदर लग रही है नए कप में चाय। और बहुत ये हमारा एक्चुअली सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है वो मैं बता देती हूँ। तो हमारे चैनल पे जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो हो चुकी है 5000 प्लस की फैमिली। इतने सारे लोग, इतनी बड़ी फैमिली, और भी ग्रो करेंगे हम अगर आप लोगों का साथ और प्यार बना रहे। लेकिन हाँ, छोटी सी खुशी थी तो इस किस तरीके से सेलिब्रेट किया। ये ग्लास के अंदर आरव ने पिया था अपना अमूल कूल दूध और बस सबने खा पी लिया और काफ़ी सारा नाश्ता बच भी गया था, बट बहुत ही टेस्टी लगा। और फैमिली के साथ में संडे ब्रंच करके मज़ा क्या होता है आई थिंक सभी को पता है। अगर आपने किया है इस तरीके से संडे ब्रंच, आराम से उठो और फिर आराम से अच्छा सा नाश्ता करो तो दिन बन जाता है। हेलो, आ गए हम लोग, आओ इधर आओ। आज हमने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? ब्रेकफास्ट तो समोसा आपका टीसी रंग का ऐसे ऐसे। हम लोग अभी क्या दिखाने के लिए बैठे हैं? कल आरव कहाँ गया था? शॉपिंग। बहुत सारी शॉपिंग करके लाया है तो हम लोग आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखाने वाले हैं। देखो। एक मिनट। कपड़ा। ये रुक जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने ये तो ऑनलाइन मंगाया था ना आरव की ये टी शर्ट? अंकल ने रुको, कब खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले ये टी शर्ट है ये तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी आरफ के लिए। और मंडे को आरफ का स्कूल में फंक्शन, स्कूल नहीं मतलब समर कैंप वाला फंक्शन है जिसमें फैशन शो होगा और साथ में डांस भी करेगा आरफ, है ना। तो डांस का तो यूनिफॉर्म वहीं से मिलेगा, सब बच्चों का कॉमन गेटअप है, बट ये फैशन शो के लिए हम लोगों ने तैयारी की है। तो ये समर थीम जो है वो समर स्पेशल है। तो आरू एक मिनट बेटा, तो ये टी शर्ट पहनेगा समर के लिए और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम लेकर आए हैं कल, ये हमने ऑनलाइन ली थी और उसके बाद वाइट कलर की, तो हम इसे फोल्ड करके रख देते हैं। ये लो, नहीं बाय बाय नहीं, फिर आगे की हम कल जो हम लेकर आए हैं वो दिखाते हैं। तो कल उस टी शर्ट के साथ में आरफ पहनेगा ये वाली डेनिम शॉर्ट्स पैंट, तो ये बहुत ही सही लग रही है वाइट के साथ में और समर के हिसाब से अच्छी लगेगी। एंड देन फिर हम लेकर आए हैं इसके लिए ये वाले शूज़ जो उसके साथ में अच्छे लगेंगे, स्नीकर्स है ये बेसिकली। और इसके साथ में हम ये वाले सॉक्स इसको पहनाने वाले हैं और एक और सॉक्स भी लेकर आए हैं ना, दो लेकर के आए थे जो अच्छे लगे, लेकिन अभी हमने लगा के देखा है तो
फाइव सॉक्स लेकर आए हैं, बट ये दो एंकल सॉक्स लेकर आए हैं, तो ये वाले ये पहनेगा क्योंकि व्हाइट के साथ में ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और ये इसमें ब्लू ब्लू है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो लगा करके देख लिया है, जब पहनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फोटोज़। तो ये सॉक्स हैं, एंड उसके अलावा हम क्या लेकर आए हैं समर के लिए आरफ को, शॉर्ट्स घर में पहनने के लिए, तो ये वाले इस तरीके के डेली वेयर शॉर्ट्स लेकर के आए हैं। एंड नेक्स्ट ये एक लेकर आए हैं, तो ये अच्छे हैं। एंड हाँ, जो कल मैंने नाइट सूट आपको दिखाया था ना अमेज़ॉन से जो मंगाया था, वो तो साइज़ सही नहीं था, फिर हम लोग कल मार्केट गए थे तो फिर हमको पसंद का मिल गया, तो फिर मैंने ये एक और नाइट सूट इसका वहीं से ले लिया। ये और ये उसी रेंज में मिल गया था तो फिर मैंने वहीं से ले लिया। तो एक मैंने ले लिया है, अब एक शायद मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, देखते हैं क्या करते हैं। एंड उसके अलावा ये लेकर आए हैं आरब, आवाज थोड़ी सी कम करो बेटा। यस, ये हम लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं पा रही थी, तो ये लेकर के आए हैं वाइट कॉटन वेस्ट। तो ये सबसे अच्छी रहती है, अभी जो पहनता है कलरफुल और वो है, तो वो क्या कपड़ों के नीचे स्पेशली, अभी जैसे वो पहनेगा वाइट टी शर्ट पहनेगा फैशन शो में, तो उसके नीचे पहनने के लिए सही रहेगी कि कपड़े का कलर जो है वो बिगड़ता नहीं। तो ये गर्मियों के हिसाब से सॉफ्ट भी है और पतली भी है, तो गर्मी भी कम लगेगी और अच्छा रहेगा। बस उसके अलावा आरफ के स्कूल के सॉक्स लेकर के आए हैं ये, और आरफ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्साइटेड अपने सॉक्स के लिए, सबसे ज्यादा खुशी इसको इस बात की कि ये पांच सॉक्स लेकर आए अपने। चलो रुको, तो ये थी हमारी कल की शॉपिंग, जो पता नहीं हमने अच्छे से दिखाई कि नहीं, इतना शोर कर रहा था ये, बट हाँ ये थी। आप लोग बताना हमें सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, आरफ को सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी इस पूरी शॉपिंग में। गुदू? चलो मुझे तो सबसे अच्छी लगी आरफ की ये पैंट डेनिम। मैं भी अपनी बात बताऊंगा कि कल क्या क्या था, पता है। और बाय द वे, जो भी मैंने शॉपिंग अभी आप लोगों को दिखाई ना, उसमें शॉर्ट्स वगैरह जो भी दिखाए, वो सब कुछ मैंने ऑनलाइन भी ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, वो तो बस ऐसा था कि दुकान पे गए थे, चीज़ पसंद आई, ज़रूरत थी तो खरीद ली, क्योंकि सब लोग गए थे ना, मम्मी पापा हम लोग, तो सबको लग रहा था कि सब अपनी अपनी पसंद का कुछ ले लें तो हमने ले लिया। नहीं ये तो पहने गए ना निकाल। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है, और इवनिंग में मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा शेक, और यहाँ पर चीनी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सुबह ही इनसे चीनी मंगवाई थी, तो वही मैंने यहाँ पर रिफ़िल कर रही हूँ। और ये देखिए थोड़े से आम, दो आम थे मीडियम साइज़ वाले, तो ये मैंने जार में डाल दे रही हूँ, इनको पल्प निकाल के मैंने रख लिया था, तो इसका ही बनाने वाले हैं। और दूध भी मैंने फ्रिज से निकाल के रख लिया है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा अब नहीं बनाने वाली हूँ, नॉर्मल जो फ्रिज का दूध है, और थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके मैं इसको मैंगो शेक यहाँ पर बना रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा दूध डाल करके मैंगो का पल्प जो है ना, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि चंक्स वगैरह ना आए और क्वांटिटी ठीक रहे। अगर चंक्स आएंगे ना, तो फिर वो थिक सा स्मूथ सा नहीं पेस्ट बनेगा मैंगो शेक का। तो ये दो मीडियम साइज़ के आम थे, आराम से हम पांच लोगों के लिए बन गया था, और शाम की जो गर्मी होती है ना 4-5 बजे वाली, उसमें इसको पी के तो बहुत ही मज़ा आ गया। इसमें क्या शुगर भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आम बिल्कुल भी मीठे नहीं थे, खट्टे मीठे से थे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से निकाल लूँगी, बिकॉज़ पापा जो हैं वो शुगर फ्री लेते हैं, तो पहले उनके लिए निकाल लूँगी, एंड देन फिर हमारे लिए जो शुगर है वो ऐड करूँगी, और फिर हमारा मैंगो शेक बन जाएगा। और आरफ को भी मैं थोड़ा सा अलग करके दूँगी, बहुत ज़्यादा आम नहीं, उसमें थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा अलग से मिक्स करूँगी, तो ऐसे अलग आरफ के लिए अलग, पापा के लिए अलग, थोड़ा सा करना पड़ता है उनकी हेल्थ के हिसाब से दोनों की, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पर ये बना लिया हमने मैंगो शेक, और जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता बचा था वो साथ में हमने खा लिया था। हाँ, तो फिर मैं आपको बता देती कि जो शॉपिंग मैंने की है ना, उसमें जो भी शॉर्ट्स वगैरह बच्चों के लिए अगर आपको भी लेने हैं तो आप मुझे बता देना, मैं अमेज़ॉन के लिंक्स अपडेट कर दूँगी, क्योंकि मैं अमेज़ॉन से ही मोस्टली शॉपिंग करती हूँ। वो तो जस्ट ऐसा था कि शॉप पे खड़े थे और मम्मी पापा भी गए थे, तो जो चीज़ पसंद आई ले ली, बट उससे थोड़े कम प्राइस में आपको अमेज़ॉन पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मैंने आरफ के लिए पहले भी लिए हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए हो समर्स के हिसाब से जो भी चीज़ पसंद आ रही हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका लिंक अपडेट कर दूँगी, और आप वहाँ से सही
प्राइस में सही क्वालिटी की चीज़ें परचेस कर सकते हो। और हमारा मैंगो शेक रेडी हो चुका है, तो मैंने पापा के में और इनके में बर्फ़ थोड़ी सी 2-3 टुकड़े डाल दिए हैं। मैं और मम्मी तो प्लेन ही लेंगे। तो आप लोगों ने मैंगो शेक अभी तक पिया कि नहीं पिया वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। चलो अभी इसे सर्व कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हुए। सो अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ी सी आप लोगों के साथ चिट चैट करने के लिए। और ये लोकेशन कैसे लग रही है मुझे बताओ। आजकल मैं यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ बना रही हूँ बिकॉज़ उस रूम में मम्मी पापा रहते हैं और दिन बीच में तो साउंड उतना बाहर से बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है, तो फिर मैंने सोचा यही लोकेशन से यहाँ पर बैठ कर आराम से मैं बात कर सकती हूँ पीसफुल उसमें, तो मैं यहीं पर बैठती हूँ। तो अगर बोर हो रहे हो ना तो बता देना मुझे कि यहाँ पर बनाओ, चेंज कर लो जगह, तो मैं कर लूँगी। तो एनीवेज़ हाँ, तो मेरे पास ना एक क्वेश्चन ये आ रहा था, कई बार आ चुका है एक्चुअली, पूछा जा चुका है कि तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम मतलब 8 महीने प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा बेली जो है वो बहुत कम निकला है, क्या है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पे भी क्वेश्चन आता है कि मतलब लोग अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा बेबी बम्प कम है, ऐसा क्यों है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि कई लोगों को भी ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा बेबी बम्प ऐसे कम क्यों है या फिर बहुत ज़्यादा क्यों है, ऐसा भी रहता है। तो ना मैं अपनी मम्मी से एक्चुअली बात कर रही थी, एक दिन हो गए, काफ़ी दिन पहले बात कर रही थी, तो मम्मी ने मेरी एक चीज़ बताई जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई डोंट नो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या नहीं है, जस्ट उनसे बात हुई थी तो वही आप लोगों को भी बता देती हूँ। उन्होंने बताया कि प्लेसेंटा पोजीशन जो है ना, जैसे मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो बैक साइड में है, यानी कि पोस्टेरियर है। तो मेरी मम्मी ने बताया कि उन लोगों के टाइम पे ऐसे पोस्टेरियर, प्लेसेंटा ये सब टर्म्स यूज़ नहीं करते थे, बट जो भी टर्म यूज़ करते होंगे लोकल लैंग्वेज में जैसे भी, तो मम्मी ने बोला कि वो जो पीछे रहता है ना, तो वो उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि उनको भी ऐसा था कि उनकी, जैसे हम 3 भाई बहन हैं, तो तीनों प्रेगनेंसीज में उनका प्लेसेंटा पोजिशन जो था वो पोस्टेरियर था, तो उसकी वजह से उनका भी ऐसा ही था कि बेबी बम बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज और बहुत हैवी नहीं था। तो उनके तो तीनों थे, मतलब मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, तीनों थे, तो तीनों ही प्रेगनेंसी में सेम हुआ। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि आरव के साथ जब मैं प्रेगनेंट थी तभी भी मेरा वेट मैंने अच्छे से पुट ऑन किया था जितना रिक्वायर्ड था, एंड बट बेबी बम्प आई थिंक उतना नहीं था जितना कि शायद लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वैसा है कोई, एक्चुअली इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा उनको दिखता है, उनका वेट जो है ना वो दिखता है। तो एक तो ये चीज़ थी जो मम्मी ने बताई। तो कई लोग हैं जैसा बोलते हैं कि उनका भी बेबी बम्प स्मॉलर है तो उनको भी टेंशन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ बेबी बम्प कैसा भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेबी कैसा है, हेल्दी है कि नहीं और आप हेल्दी हो कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। किसका कितना बड़ा है, किसका कितना छोटा है, डजंट मैटर। तो और हर रेगुलर चेकअप में हम लोग, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर का काम है चेक करना, वो ये सारी चीज़ें चेक नहीं करता है कि आपने, आप दिख कैसे रहे हो, आप मोटे हुए या पतले हुए या क्या हुआ, वो इंटरनल चेकअप जो भी स्कैन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर बेबी का वेट आता है, बेबी की ग्रोथ आती है, फ्लूइड आता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे चेक हो जाती है। तो इसलिए अगर डॉक्टर आपको कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो पूछते हैं या बोलते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जज कर, मतलब जज नहीं, देखते हैं, मतलब चेक करते हैं कि भाई हम ऐसे हुए थे तो ये ऐसा नहीं है, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो उस सेंस में आपसे पूछते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़ की हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो आपकी कोर मसल्स है ना, जो आपका बेबी जब आप प्रेग्नेंट होते हो जो वेट गेन करते हो, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पेट कितना बड़ा है उसी का वेट होता है, ऐसा नहीं है। आपकी कोर मसल अगर स्ट्रांग है, जो आपके पेट का स्टमक एरिया के पास में जो कोर है वहाँ पर अगर मसल स्ट्रांग हैं तो वो उतनी बिग शेप नहीं लेती, अगर वो लूज़ होती हैं तो थोड़ा भी वेट पड़ता है तो वो बड़ा शेप ले लेती है। इसलिए कुछ लोगों का बेबी बम्प ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो आपकी कोर मसल स्ट्रेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है।
तो वो भी एक रीजन्स है। दूसरा कि केवल बेबी बम्प का ही वेट नहीं होता है, आपका ब्रेस्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड है, आपका जो बैक एरिया है, जो भी आपके बॉडी पार्ट है, सब जगह वेट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वेट तो आपने गेन किया बेबी को सपोर्ट देने के लिए, बेबी को मिल गया, लेकिन अगर फ्लूइड आपका, जैसे फ्लूइड कितना है उसका भी वेट होता है। तभी तो जब बेबी निकलता है तो बेबी तो 3-4 kg का मैक्सिमम होता है, लेकिन बाकी तो आपने बहुत सारा वेट 8-10-12-15 kg गेन किया होता है, क्योंकि वो वेट जो है ना वो सिर्फ बेबी का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो फ्लूइड होता है वो तो निकल जाता है, तो फ्लूइड हो गया, बेबी हो गया, उसके बाद भी आपका वेट आप रखते हो आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि आपके अलग अलग बॉडी में भी वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी किसी का सब जगह प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बेबी बम्प उतना बड़ा नहीं दिखता है। किसी किसी का वेट जो है सिर्फ बेबी बम्प आपके जो बेली एरिया वहीं पर ही पुट ऑन होता है, तो आपको बहुत बड़ा दिखता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जब तक आपको डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं आपका वेट आप पुट ऑन कर रहे हो नॉर्मल रेंज के अंदर और आपका बेबी का ग्रोथ सही चल रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैं, आप सबको लगता है कि बहुत दिखने में बड़ा, इतना लगता ही नहीं कि मैं 8th month की हूँ, 8th month में हूँ, तो उसके रीजंस मैंने बता दिए। बट डिस्कम्फर्ट मुझे कितने होते हैं वो तो मुझे पता है कि अभी भी आप देख रहे हो ब्रीदिंग इतनी इशू होती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के ब्रेस्ट के नीचे एकदम ऐसा लगता है कुछ उठा के रख दिया, जिसकी वजह से हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी बॉडी जितना बेयर कर सकती है मेरा बेबी बम्प उतना बड़ा है, बेबी सही है, मैं सही हूँ, जो भी डॉक्टर, मतलब अल्टीमेटली किसकी बात हम ज़्यादा मानेंगे तो वो है डॉक्टर। तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलते तो तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं लेती हूँ, तो आपको भी वही एडवाइस करूँगी। तो ये दो रीज़न्स थे जो मम्मी से मेरी बात हुई। तो आपका कौन सा प्लेसेंटा पोजीशन है और आपका बेबी बम्प कैसा है वो मुझे बताना। इसके पीछे मुझे साइंटिफिक रीज़न नहीं पता है, जस्ट मम्मी से बात हुई, जो उन्होंने कभी अपने उस टाइम पे सुना होगा, लोगों ने उनको बताया होगा, उन्होंने मुझे बता दिया, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ कहीं लिखा हुआ या कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ श्योर नहीं हूँ, बट बता दिया मैंने आपको, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताना कि ऐसा कुछ आपने भी सुना है क्या है। सो गाइज, आप सभी को अगेन दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया और इतनी जल्दी हम 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुके हैं, प्लस में हो चुके हैं, और ऑलरेडी कई लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, लेकिन मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से कमेंट देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने कई वीडियोस में आप लोग को बता चुकी हूँ कि हाँ, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी ग्रोथ आपकी भी है उतनी ही, और हमारी जो फैमिली बढ़ रही है ये हम सब बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कुछ उसमें ग्रो कर रही हूँ, हम सब बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी और ग्रोथ की तरफ। तो थैंक यू सो 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 मच सभी को। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम पर बेस्ट कमेंट, जो कमेंट ऑफ द डे करके एक बनाऊँ, स्टार्टिंग में आप सब में से जिसका भी एक कमेंट लिया करूँ और उसको डालूँ। तो ये आइडिया मुझे कमेंट में बताना कि कैसा रहेगा कि मैं ऐसा कुछ करूँ। इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पर मुझे प्लीज़ फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं बड़ी मेहनत से रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Thank you.